आज सालवे साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट पूरे कर लिए हैं, अब मिस्टर रौतगी को आर्ग्यू करना है, सो कोर्ट अभी कंटिन्यू करेंगे कल 10:30 बजे सुबह। 10:30 बजे मिस्टर रौतगी विड आर्ग्यू एंड उसके बाद जो एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन लगाई उन पर सुनवाई होगी और फिर किसी को सर रिजॉइंडर पे अपने अगर बहस करनी होगी तो वो अपॉर्चुनिटी दे करके कल होपफुली आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हो जाएगा। सालवे सर की जो बहस है उसके मुख्य पॉइंट्स क्या रहे? सालवे सर की बहस पे वही रिट्रेशन है कि कोर्ट के पास पावर है वापस से 10(1)(a) अगर असंवैधानिक है तो उसको रिविजिट करके हाईकोर्ट पूरी तरह से एम्पावर्ड है उस पर ऑर्डर पास करने के लिए। और फ्लोर क्रॉसिंग पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए कि क्या इसको फ्लोर क्रॉसिंग माना जाए या नहीं माना जाए और जो स्पीकर के द्वारा कार्रवाई की गई है वो गलत की गई। सर स्पीकर के द्वारा जो कल डेट दी गई वो एक्सटेंड तो नहीं होगी? अभी तक कोई एक्सटेंशन की कहीं से भी कोई बात नहीं हुई, ना कोर्ट के अंदर हुई है और अदरवाइज तो वो 5:30 के हिसाब से ही रहेगी। ऐसा कुछ कोर्ट ने नहीं कहा कि कल सुना देंगे, वो कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। अभी भैंस पूरी हो जाए, मेरा मानना है कल भैंस पूरी हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट कितना समय लगाता है ऑर्डर लिखने पे वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। कल पूरी पूरी संभावना है फाइनल हो जाए क्योंकि अब बस बहुत लिमिटेड आर्ग्यूमेंट बचे हैं मिस्टर रौतगी के और सर रिजॉइंडर पे जो भी आर्ग्यू करना चाहेगा और मेरा मानना है एप्लीकेंट्स को जो अपॉर्चुनिटी दी वो अपना पक्ष रखते हैं। आज सुबह तो मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी के आर्ग्यूमेंट हुए, उसके बाद एजी साहब ने करके अपना कंक्लूड किया है और मिस्टर देवदत्त कामत ने आर्ग्यू किए महेश जोशी जी तरफ से और बाद में रिजॉइंडर पे हरीश सालवे साहब द्वारा आर्ग्यू किया गया, वो अब खत्म हो गए आर्ग्यूमेंट। मिस्टर रौतगी वुड आर्ग्यू।